हे वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया, अच्छा है। और दिन की शुरुआत कैसी रही? अच्छी। सो बच्चों, आज हम अपना लेकर के आ गए लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की। ठीक है, मैं मायसेल्फ राकेश यादव एंड आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ जानेंगे क्या होता है ये। ठीक है बच्चों, अब तक आपने पढ़ रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है दैट इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट एंड ए टू द पावर व्हाट एक्स एंड बी टू द पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ऐसा आपने पढ़ रखा है, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। अच्छा, ये जो आपका रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है बेटा, मैं लिख दिए दे रहा हूं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सबको पता है इतना, सबको आता है इतना, हाँ इतना सबको पता है ना। वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इफ आई विल टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो आपको जनरली आपके जो बुक में दिया रहता है कि ए जो है, ए क्या दे रहा है आपको? प्रोडक्ट दे रहा है। ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे करके आपको दिया रहता है बुक के अंदर। तो बेटा अगर ए प्रोडक्ट दे रहा है तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए ही लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी की तो बात करेंगे नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा कि ए टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली ए। एड इन बुक, ज्यादातर आपके बुक्स में 99% केसेस में यही ए टू द पावर ए गिव्स प्रोडक्ट आएगा, आपको मिलेगा ए टू द पावर एक्स हो गया। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका के ए टू द पावर जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये आपका रेट का क्या आ गया ना, एक यू कैन से रेट का आपका एक एक्सप्रेशन आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में आपसे आपको बताया था कि रेट निकालने का जो तरीका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का जो वे है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का जो तरीका, सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे, वीडियो लेंथी हो जाते हैं तो अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, अपने पास बहुत दिक्कत होती है यार वीडियो को अपलोड करने में, एक्सपोर्ट मार के, है ना, इस वजह से थोड़ा तेज पढ़ा के, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का अपने पास क्या तरीका था यार, याद होगा आपको, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, आपको याद है इतना होता था बेटा। तो इसके लिए क्या होगा, -1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इजंट इट, यही होगा। तो दिस वन विल कम अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं, और ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, ये भी जीरो ऑर्डर के लिए ही है ना, ये भी जीरो ऑर्डर के लिए ही है। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इन दोनों को इक्वेट कर ले, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को उठा करके इक्वेट करेंगे। कौन कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, एक तो ये है एक तो ये है, तो ये देखना थोड़ा सा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन व्हाट डी टी हो जाएगा। ए टू द पावर जीरो का मतलब क्या, किसी की पावर जीरो मतलब वन हो जाता है, तो के इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। डी टी को उठाकर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा के डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए। क्लियर, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट। देखो, जब रिएक्शन हुई शुरुआत में जो कंसंट्रेशन ए का रहा होगा, हमने मान लिया कि शुरुआत में ए का कंसंट्रेशन ए नॉट है, ठीक है, और बाद में टाइम के साथ उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो क्या हो गई, ए हो गई। कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी हो गई,
ए हो गई। देखो इसमें क्या हुआ ना बच्चों की रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगी, देयर इज नो डाउट, लेकिन रेट कांस्टेंट सेम रहेगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो शुरुआत में हमने माना कि कंसंट्रेशन ए नॉट थी, बाद में ए हो गई। शुरुआत में मान लो कि टाइम, अरे भैया जब स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होगी तो टाइम तो जीरो लेना पड़ेगा तुमको, तो इनिशियली टाइम को जीरो बोलो एंड फाइनली टाइम को कितना बोलो, फाइनली बोलो कि टी टाइम पर जाकर के कंसंट्रेशन ए आ गई होगी, है ना, टी टाइम पर जाकर के कंसंट्रेशन ए। तो लिमिट पुट करेंगे हम इंटीग्रेशन लगा करके, देखो यहाँ पर ये माइनस जो है, ये वाला माइनस जो है इधर पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई मतलब नहीं। तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, ए नॉट से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और टी के लिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू जीरो से क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू टी हो जाएगा। क्लियर है इतना, सबको समझ आया इतना। अब बेटा ये जो के है ये रेट कॉन्स्टेंट है, तो के को बाहर निकाल लो, के को क्या कर लो बाहर निकाल लो, तो यहां आ जाओ, यहां से करते हैं, तो माइनस के बाहर आया और ये डी टी, डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, तो एक बार टी में डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, है ना। तो एक बार हम इंटीग्रेशन कर दिए, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा टी, ये हो जाएगा टी, कहां से कहां, टी से लेकर के जीरो तक, है ना, बराबर में डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो ए आएगा, तो एक बार ए रख, ए आ गया, और ये ए ऊपर और ए नॉट नीचे, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा माइनस के टी, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए माइनस ए नॉट, इतना आएगा, ए माइनस ए नॉट आ गया। अब यहां से तुम एक काम करो, ए नॉट लेकर के आओ, या फिर ए की वैल्यू लेकर के आओ, फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू लेकर आओ, फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा ए नॉट माइनस के टी। सो दिस इज व्हाट द इंटीग्रेटेड रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, दिस इज व्हाट योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा। क्लियर है, समझ आया क्या किया हमने, डिड एवरीबॉडी गॉट क्या बोला हमने। भैया देखो रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हो, रेट का एक्सप्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दिया, इंटीग्रेट मार दिया, शुरू में माना कंसंट्रेशन ए नॉट थी, बाद में ये थी, शुरू में माना टाइम जीरो था, बाद में टाइम टी था, तो हमने क्या किया कि इंटीग्रेट किया टाइम जीरो से लेकर टाइम टी तक, ए नॉट से लेकर ए तक, यहां पर माइनस के को बाहर लिया, के रेट कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, यहां पर इंटीग्रेट किया तो एक बार टी एक बार जीरो, एक बार टी रखेंगे माइनस जीरो, और एक बार यहां रखेंगे डी ए का इंटीग्रेशन ए, तो ए माइनस ए नॉट, ए माइनस ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट इधर गया प्लस का हो गया, ए नॉट माइनस के टी आ गया तुम्हारा, ए इज इक्वल्स टू, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बराबर आया तुम्हारा ए नॉट माइनस के टी। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही आपको याद रखना है, दिस वन यू हैव टू लर्न, यही याद रखना है आपको, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। रफ करें, सबको समझ आ गया, रफ करते हैं, ओके। सो आगे बढ़े, आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ पुट करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वी पुट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, ग्राफ पुट कर दिया, देखना थोड़ा सा, हमारे पास हमने कंसंट्रेशन ए वर्सेस किसका, टी का ग्राफ पुट कर दिया, टी इधर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है। देखो यहां पर आप जानते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, इसको थोड़ा सा लिखो, देखो y की जगह पर a है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एम एक्स देखो माइनस के टी इधर लेकर आओ, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट हो जाएगा, देख रहे हो, y इज इक्वल्स टू माइनस के टी, y इज इक्वल्स टू आई मीन a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इतना आएगा तुम्हारा, ध्यान से देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अनुसार y पे कौन है, y पे देख रहे हो a है, और m की जगह पे कौन है, माइनस के, मतलब स्लोप क्या है, माइनस के स्लोप, देख रहे हो कैसा है, माइनस के, माइनस में है स्लोप, ओके। उसके बाद से ये टी है तुम्हारा टाइम, ठीक है, एक्स जो है देखो एक्स, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और ये ए नॉट मतलब वाई इंटरसेप्ट भी है, तो वाई इंटरसेप्ट अगर है तो ए नॉट ऐसे होगा, और ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे नेगेटिव स्लोप के साथ ये ग्राफ ऐसे बनेगा, आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर ए क्या था, ए जो था फाइनल कंसंट्रेशन था, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है रेट कॉन्स्टेंट, एंड टी क्या है टाइम, टाइम जितने टाइम में तुम्हारा ये पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ, जिस टाइम में तुम्हारा पर्टिकुलर रिएक्शन हुआ, तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे ही बननी है, ठीक है। सबको समझ आया, आया समझ में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ आया क्या? ओके, अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन की। हाफ लाइफ रिएक्शन ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो 50% टाइम में रिएक्ट हो जाती हैं। हाफ लाइफ रिएक्शन 50% में, 50% का मतलब समझिए, जैसे आपको टाइम यहां पर दिया था पूरा का पूरा टाइम, टाइम कहां से कहां तक दिया था आपको, टाइम इक्वल्स टू 0 से टाइम इक्वल्स टू t, मतलब पूरा टाइम था। अब यहां पर हाफ लाइफ में टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो टी हाफ, इतना लिख सकते हो, आधे टाइम की बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ रिएक्शन मतलब आधे टाइम की बात। तो आधे टाइम में बेटा हमने देखा कि ए नॉट से आप पूरे टाइम में कहां तक पहुंच रहे थे, ए पर पहुंच रहे थे। तो अगर मैं आधे की बात करूं तो आप ए नॉट से कहां पहुंचोगे, ए नॉट बाय टू पर, आधे में पहुंचोगे ना, ए नॉट बाय टू पर, मतलब ए लिखूं मैं, अगर ए लिखूं तो ए के आधे पर पहुंचोगे कि नहीं आप, समझ रहे हो बात को, ए के आप आधे पर पहुंचोगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय टू। कैन यू राइट लाइक दैट, ए बराबर ए नॉट बाय टू। देखो ए नॉट से तुम ए पर पहुंच रहे थे टी टाइम में, अब आधे टाइम में मतलब टी हाफ में तुम कहां से कहां पहुंचोगे, तो ए के लिए बेटा ए के लिए आप क्या लिखोगे, ए नॉट बाय टू, व्हाट यू विल राइट, ए नॉट बाय टू। सो ए की जगह पर आ जाएगा ए नॉट बाय टू, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या थी हमारी, ये रही, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, याद कर ले इसको। सो ए की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, ए नॉट बाय टू, ए नॉट का ए नॉट रहेगा माइनस k और इंटू टी का हाफ, यहाँ पे आप लिखने वाले हो ए नॉट बाय टू, सो ए नॉट बाय टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा, ए नॉट उधर उठ करके इधर आएगा, सो ए नॉट बाय टू माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा, के टी, टी की जगह पे क्या लिखने वाले हो, टी हाफ, ठीक है ना, वन बाय टू टी हाफ, वन बाय टू टी हाफ। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, टू वन जा टू वन ए नॉट माइनस वन टू जा टू और टू ए नॉट, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस के टी हाफ, टी हाफ, यहां से हो जाएगा माइनस ए नॉट बाय टू इज इक्वल्स टू माइनस के टी हाफ, यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा एंड व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट टी हाफ की वैल्यू आपको जो मिलेगी दैट इज ए नॉट बाय टू के। सो दिस इज द हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये हाफ लाइफ रिएक्शन है। देख रहे हैं आप लोग क्या किया हमने, t को t हाफ माना। देखो बेटा हाफ लाइफ का मतलब आप पूरे टाइम की बात नहीं हो रही, आधे टाइम की बात हो रही है, तो जो पूरा टाइम हो जाएगा वो आधा टाइम हो जाएगा, तो t का हाफ, क्लियर है, t का हाफ। उसी तरह आपसे कहा कि आधे टाइम के लिए हो रहा है, मतलब a जो तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन हो रहा था उसका आधा, तो उसका आधा क्या, ए नॉट बाय टू, उसका आधा क्या, ए नॉट बाय टू। तो यहां से आपने कहा कि ठीक है a की जगह पे ए नॉट बाय टू, तो ए नॉट बाय टू, ए नॉट था, के जो है के का के रखा और टी की जगह पे टी हाफ रख दिया, फिर यहां से हम उठाकर इसको इधर लेकर आए, एलसीएम लिया एंड फाइनली वी विल गेट माइनस ए नॉट बाय टू, और यहां पर था माइनस के टी हाफ, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड फाइनली व्हाट वी विल गेट, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। दिस इज द हाफ लाइफ रिएक्शन, ये क्या है आपकी, हाफ लाइफ रिएक्शन। क्लियर है सबको, समझ आ रहा है, रफ करें, ओके। सो ये सब इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बेसिस पर ही आता है, हाफ लाइफ रिएक्शन, लाइफ टाइम रिएक्शन, ठीक है ना, फुल लाइफ रिएक्शन। जैसे हाफ लाइफ रिएक्शन के बाद आता है फुल लाइफ रिएक्शन, ठीक है, फुल लाइफ रिएक्शन। फुल लाइफ रिएक्शन कैसे होगी, फुल लाइफ रिएक्शन का मतलब समझिएगा, मतलब टी जो था, मतलब पूरे 100% रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन इज 100% अकरिंग 100%। यहां हाफ लाइफ रिएक्शन में रिएक्शन कितनी हो रही थी, रिएक्शन वॉज 50%, रिएक्शन 50% हो रही थी, इसीलिए टी हाफ टाइम लिया, ठीक है ना। अब यहां पर पूरी रिएक्शन होगी तो टी टाइम लगेगा यार, तो T इज इक्वल टू T हो जाएगा, है ना, पूरा रिएक्शन हो रहा है, पूरे 100% रिएक्शन हो रही है, तो 100% जब रिएक्शन होगी तो A जो होगा तुम्हारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जब पूरा हो गया, जब रिएक्शन पूरा हो गया तो जो कंसंट्रेशन है तुम्हारा फाइनल वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको उठाकर पुट कर दो तुम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, दैट इज A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT हो जाएगा, KT हो जाएगा, तो इसको आप लिख लो T फुल, फुल टाइम के लिए हो रहा है, तो T फुल, है ना। तो यहां से क्या होगा, ए की जगह पे क्या रखना है आपको, जीरो, तो यहां आपने जीरो रखा, तो दैट इज ए नॉट माइनस के टी फुल, फुल के लिए बातें हो रही, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी फुल, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और के की जगह पे और टी फुल की जगह क्या आ जाएगा, टी फुल बराबर हो जाएगा ए नॉट बाय के। सो दैट इज द फुल टाइम रिएक्शन, ठीक है ना, फुल लाइफ रिएक्शन, ये फुल लाइफ रिएक्शन है, ये भी याद कर लो, t फुल इज इक्वल टू a नॉट बाय k, हाफ लाइफ के लिए याद कर लो t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाय 2k, ये हो जाएगा a नॉट बाय k, बस याद रखना वहां 2k रहेगा, यहां पर k रहेगा सिर्फ, है ना,
और इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो बहुत नेसेसरी है। तो इसके बेसिस पे अब आप न्यूमेरिकल्स बनाइए, खुद से ट्राई मारिए, ठीक है, और अगर समझ में आया तो फिर पूछिएगा, हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स एक तो करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इतना समझ आया सबको, ओके, थैंक यू वेरी मच।